नमस्कार, पॉलिटॉक्स न्यूज में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं न्यूज विद टी। कर्नाटक विधानसभा में बहस जारी, बसपा विधायक लापता। कर्नाटक विधानसभा में विश्वास मत पर बहस जारी है। इस बीच बसपा विधायक एन महेश सदन में उपस्थित नहीं हुए, उनका फोन अब तक स्विच ऑफ आ रहा है। बता दें कि बसपा प्रमुख मायावती ने अपने विधायक को फ्लोर टेस्ट में भाग न लेने के लिए कहा था। बसपा नेता खुद उनकी तलाश में जुटे हुए हैं। अब अगर वो नहीं आए तो ये मुश्किल और भी बढ़ सकती है। येदियुरप्पा का दावा, कुछ और विधायक देंगे इस्तीफा। कर्नाटक के बीजेपी नेता येदियुरप्पा ने फिर अपने बयान से प्रदेश की राजनीति में खलबली फैला दी है। उन्होंने कहा कि अभी 2-3 विधायक और इस्तीफा देंगे और बीजेपी ज्वाइन करेंगे। वहीं सदन में कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने कहा कि बीजेपी को स्वीकार कर लेना चाहिए कि इस सब के पीछे वही है। उन्हें ये भी स्वीकार करना चाहिए कि वे बागी विधायकों के संपर्क में हैं और ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं। कांग्रेस चीफ का मसला फिर उछला, प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग। राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद ये जगह अब तक खाली है। कई नेताओं के नाम सामने आने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाने की बात कही है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में हुए जमीनी विवाद में मारे गए लोगों से मिलने पहुंची, उनका ये कदम काबिले तारीफ है। हालांकि राहुल गांधी पहले ही किसी गैर गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने की बात कह चुके हैं। कर्नाटक के राजनीतिक संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों की आज ही फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की याचिका को कल तक के लिए टाल दिया है। बागी विधायकों की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने आज ही बहुमत परीक्षण का आदेश देने का अनुरोध किया था। इस पर कोर्ट ने कहा कि इस तरह का आदेश नहीं देना चाहते, कल देखेंगे। टीम इंडिया में चहर ब्रदर्स की एंट्री, खलील नवदीप को भी मौका। वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम का चयन कर दिया है। 3 अगस्त से शुरू हो रही भारत वेस्टइंडीज सीरीज में चहर ब्रदर्स को टीम में शामिल किया गया है। दीपक चहर के बाद अब स्पिनर राहुल चहर भी टीम इंडिया में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। हार्दिक पांड्या को आराम देकर कृणाल पांड्या को टीम में मौका मिला है। जसप्रीत बुमराह के स्थान पर खलील अहमद और नवदीप सैनी को टीम में जगह मिली है। भुवनेश्वर कुमार टीम के साथ बने रहेंगे। स्पिन डिपार्टमेंट में वॉशिंगटन सुंदर को शामिल किया है। पॉलिटॉक्स न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए पॉलिटॉक्स न्यूज के साथ।